पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2022 की शुरुआत बहुत खराब रही। पहला ही मुकाबला करारी हार का सामना करना पड़ा और इनके विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को लेकर भी खबरें अच्छी नहीं हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन जितना बड़ा मजबूत स्कोर खड़ा किया ईशान किशन की बेहतरीन पारी के दम पर। मुंबई के ब्रैबरन स्टेडियम में रविवार 27 मार्च को दिल्ली और मुंबई की टक्कर हुई, जिसमें पूर्व चैंपियन ने मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की और पिछले महीने ही नीलामी में 15 करोड़ 25 लाख रुपए की सबसे मोटी रकम पर मुंबई के साथ जाने वाले युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान ने टीम के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली और जबरदस्त अंदाज में अपनी भूमिका निभाई। वे पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक जमे रहे और धुआंधार अर्धशतक ठोक कर लौटे। हालांकि इस पारी के दौरान वह चोटिल भी हो गए। 18वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद यॉर्कर थी जो ईशान के पंजे में लगी और वह लड़खड़ा गए। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने पारी जारी रखी, लेकिन पवेलियन लौटने पर उन्होंने दर्द की शिकायत की और फिर मैदान पर नहीं उतरे। मुंबई इंडियंस की ओर से इस बारे में बयान जारी कर बताया गया कि ईशान किशन के पैर का स्कैन कराया गया है और वे कीपिंग नहीं करेंगे। आर्यन ज्वाल जो विकेट कीपर के रूप में टीम में शामिल हुए हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ईशान की ये लगातार तीसरी 50 थी। आपको बता दें ईशान ने सिर्फ 48 गेंदों में नाबाद 81 रन ठोके, जिसमें 11 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके अलावा 32 गेंदों में 41 रन रोहित शर्मा ने भी लगाए। मुंबई ने 20 ओवर के अपने 5 विकेट के नुकसान पर 170 रन के यहां पर पारी खेली, लेकिन जवाब में दिल्ली कैपिटल्स के दो युवा खिलाड़ी ललित यादव और अक्षर पटेल ने चेस करते वक्त इस स्कोर को आसान करा और आसानी से चेस कर लिया। दोस्तों ये गेंद ओवर 10 गेंद पहले ही, जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के दोनों लड़कों ने बल्लेबाजी करी, सबका दिल जीतने में कामयाब रहे और दिल्ली को भी 4 विकेट से जिताने में कामयाब रही। तो इस तरीके से दोस्तों ईशान किशन की नाबाद पारी रही, लेकिन कहीं ना कहीं चोटिल हो गए। अब देखते हैं कि 15 करोड़ 25 लाख का ये खिलाड़ी क्या वापसी कर पाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ बात करें चेन्नई सुपर किंग्स को भी कुछ ऐसा ही झटका लगा था, क्योंकि 14 करोड़ में खरीदा दीपक चहर को और वो आधे सीजन से बाहर हो चुके हैं। कहीं मुंबई भी कुछ ऐसा ही तो नहीं झेलने वाली, पहले सूर्य कुमार यादव की इंजरी, अब उसके बाद ईशान किशन का यूँ चोटिल हो जाना। देखते हैं दोस्तों अगला मुकाबले में क्या ईशान किशन वापसी करते हैं या नहीं, लेकिन ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, ये एक बात सही है कि किस तरीके से उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को एक अच्छे स्कोर तक लाकर खड़ा किया अकेले एक छोर से लगे रहे बल्लेबाजी करने में। नेक्स्ट 9